दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्रिप्टो फैमिली के साथ मिलकर काफ़ी बढ़िया अमेजिंग प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लवली इनू फाइनेंस के बारे में। क्या इसकी नेक्स्ट अनाउंसमेंट बाइनांस के बारे में होगी, जो 16th of August की इसकी एक्सक्लूसिव लिस्टिंग है, क्या वो बाइनांस पे तो नहीं होने वाली है? क्योंकि होबी ग्लोबल जैसे बड़े एक्सचेंज पे तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 6 एक्सचेंज पे अभी और लिस्टिंग अनाउंसमेंट बाकी है, क्या उसमें बाइनांस का तो नाम नहीं है? वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि और भी सारे बातें हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जिसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। क्यों ऐसा लग रहा है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली बार चैनल पर विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जोड़ या फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है आज के डेट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, 62.43% का यहाँ पर पंप लिया है। हालांकि अभी हल्का सा करेक्शन लिया, आप देख सकते हो भैया 6000 के अराउंड गया था, लेकिन अभी हल्का सा करेक्शन लेके डाउन में गया है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्रिएट किया है आज ही के डेट में लवली इनू फाइनेंस CMC के अकॉर्डिंग। हालांकि बिटमार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, 87 के अराउंड जो है उसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर हम CMC की बात करें, क्वाइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें, तो भैया इसका जो है 6580 के अराउंड लास्ट इसका ऑल टाइम हाई था, जिसको बीट करके 6000 यहाँ पर गया है, जो कि ऑलरेडी मैं बात INR के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ दिया है, ये 24 घंटे का है। लेकिन दोस्तों अगर मैं 30 डेज की बात करूँ ना, तो भैया 1500, ये तो अभी 1500 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 1600 बोल सकते हैं, लेकिन लगभग 1700-1800% का आपको प्रॉफिट मिला है। जी हाँ दोस्तों, और मैंने अपने दूसरे चैनल पे आज से नहीं काफ़ी टाइम से आप सबको रिकमेंड किया हो, वो भी कितना, सिर्फ $10 डाल के छोड़ दो। अगर आपने $10 भी डाला होता, यानी कि 1000 रुपये, जी हाँ लगभग अगर 1000 रुपये भी डाला होता, तो 17,000 से 18,000-20,000 रुपये अभी ऑलरेडी आपके बन चुके होते। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह का इन्होंने ग्रोथ दिखाया है, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो कहाँ पहुँच गया यार, 1.03 बिलियन INR के अंदर, भाई बिलियंस के अंदर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। रीजन्स मीन अगर मैं जाके इसके ट्विटर पे दिखाऊं, तो ये 3 एक्सचेंज पे ऑलरेडी इनका लिस्टिंग, जो 4 एक्सचेंज पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 30 अगस्त को BBOX जो कि ऑलरेडी हो चुका है लिस्टिंग, बेबी स्वैप के ऊपर 1 अगस्त को होने वाली है, ZT के ऊपर 3 अगस्त को, 5 अगस्त को होने वाला है होबी ग्लोबल। अब बच गया है 7 अगस्त, 9 अगस्त 11 13 14 और 16 अगस्त जो कि एक्सक्लूसिव होने वाला है। देन अगर मैं बात करूं, तो भैया MXC ग्लोबल अभी कुछ ही टाइम पहले यहां पर जो है अपडेट दिया कि भैया हम लवली को जो है ना मार्जिन ट्रेडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। भाई एक तो पहले से लिस्टिंग का प्रेशर है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से अगर आई थिंक एक्सचेंज भी इसको सपोर्ट करेगा, इस तरह से अगर वर्क करेगा तो भैया ये क्यों नहीं पंप करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ तुर्की, रसिया, इंडिया, अगर मैं बात करूँ USA, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मिलियंस के अंदर जिसके फ्लोअर्स है, उसके द्वारा इसको प्रमोट किया गया है, उसके द्वारा इसके बारे में बातें की गई है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है और काफ़ी तगड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है लोगों को प्रॉफिट बनाने का। अगर आपने नीचे लिया होगा तो अभी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, और इसी को देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कहीं बाइनांस भी तो नहीं लिस्ट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जो 16 एक्सक्लूसिव है, क्योंकि होबी ग्लोबल तो ऑलरेडी लिस्टिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब जो यहाँ पर 6 एक्सचेंज बचा हुआ है उसके अंदर हो सकता है KuCoin भी ऐड हो, Crypto.com भी हो सकता है, देन FTX भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर बाइनांस पे इसकी लिस्टिंग हो गई तो फिर ये सारे एक्सचेंजेस जो है धड़ाधड़ यहाँ पर लिस्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये 6 बचे हुए एक्सचेंज के अंदर बाइनांस का नाम हो सकता है? आपके अकॉर्डिंग बाइनांस की लिस्टिंग आ गई है क्या लवली इनू के लिए? ज़रूर अपना ओपिनियन हमसे शेयर करना। बाकी आई थिंक अगर आप अभी प्रॉफिट में हैं, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करते रहना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना। हर एक स्टेज के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ताकि अगर डंप भी हो जाए तो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना हो, अपना प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकाल लेना है और प्रॉफिट के साथ फिर यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है, तो उसका मज़ा ज्यादा आने वाला है। यहाँ दोस्तों बाकी ऐसे में वीडियो के लिए हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तो नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्रिप्टो फैमिली के साथ प्रॉफिट बनाते रहे। जय हिंद।